अभी भी हमारे घरों में धान पड़ा है, अभी भी, आज भी। यही चक्कर है कि हमको रेट नहीं मिल रहा, बिक नहीं रहा। इसमें कितने बंदे आ जाते हैं? इसमें लगभग 12-13 बंदे आ जाते हैं। यहाँ पर तो यंग है, पर वैसे वैसे ज्यादा बुजुर्ग हैं। मैं इस बस की बात कर रहा हूँ। इसमें तो यंग है, इसमें तो आप लोग के क्या क्या कंसर्न है, और अभी तक आप लोग को क्या क्या समझ में आया है? यहाँ समझ में यही है कि अभी जो अपनी सरकार अभी किसी बात पे आ नहीं रही है, और बाकी डटे रहेंगे जब तक नहीं मानेगी वो, तब तक हम भी नहीं मानेंगे। आप इस आंदोलन को, प्रोटेस्ट को किस नजरिए से आप देखते हो? हम तो पर्सनली अगर देखे, बात की जाए पर्सनली, आप इस आंदोलन से क्यों जुड़े? पर्सनली यार, हमारा हक है, ठीक है। पहली बात तो जो कानून बनाए हैं इन्होंने, वो उसमें MSP जो है मेन चीज़ है। जो MSP का मतलब होता है, जैसे आप कोई भी ये मोबाइल बना है, ठीक है, कंपनी मोबाइल बनाती है, तो कंपनी इसका MRP करती है, MSP नहीं करती है, MRP करती है। MRP का मतलब होता है मैक्सिमम प्राइस, अपना फ़ायदा सोच के उसके बाद वो करती। मैक्सिमम MSP का मतलब होता है सबसे कम जो प्राइस है वो हम मांग रहे हैं उसके लिए, तो वो भी सरकार देने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है, तो हम अपने हक के लिए आए हैं, ठीक है। अगर तो जो अब तक ये इतना बड़ा आंदोलन अब तक हुआ नहीं था, क्योंकि इकट्ठा नहीं हो पा रहा था किसान ना, अब इकट्ठा हो गया, अब चांस है हमारे पास, इसको, इस चांस को हम छोड़ेंगे नहीं। आप यहाँ पे कब आए? हम पहले भी आए थे, बीच में चले गए थे, फिर आए हैं, क्योंकि घर का भी, खेती भी देखनी पड़ती है। तो इतने दिनों में आपने यहाँ पे क्या बदलाव देखा है इस जगह? बदलाव ये देखा है कि थोड़ा आंदोलन जैसे जो आ रहे हैं लोग, वो भी बढ़ रहा है, ठीक है, और बाकी जो है, मजबूत हो रहा है, और फैसिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, हर प्रकार की, खाने की, रहने की, सोने की, हर फैसिलिटी बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। क्या ये ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है? हाँ, स्ट्रांग तो हो गई, जितना सरकार लेट करेगी उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उतना ही होगा, ये वो तो सरकार के ऊपर ही वजन आ रहा है। अगर 26 जनवरी तक अगर पहुँचता है तो कम से कम 2 लाख से ऊपर, 2.5 लाख भी हो सकते हैं, 3 लाख भी हो सकते हैं, इतने तो खड़े ट्रैक्टर होंगे यहाँ पे। कल टिकरी बॉर्डर पर ट्रैक्टर की रैली निकली थी, जहाँ तक मुझे पता है, यहीं से भी गया था वहाँ टिकरी बॉर्डर पर। जी, तो 26 जनवरी के लिए बार बार ये बात कही जा रही है कि 26 जनवरी को फिर से एक रैली होगी, और कल की जो रैली थी वो ट्रेलर था। कितनी संख्या थी करीब, आपको कोई अंदाजा? कल 50,000 के ऊपर 50,000 ट्रैक्टर थे, तो संख्या मतलब कि तीनों बॉर्डरों के मिलाकर, तीनों किसानों का कोई पता ही नहीं था कि कितने लाख होंगे किसान कल। आप यहाँ पे हो जी, तो जी। आप ऐसे बंदों को जानते हो जो सिंगू पे हैं और टिकरी बॉर्डर पे? नहीं, वैसा कुछ ना। कोई कोऑर्डिनेशन आप लोग का हो रहा है ना? बाकी लोग के साथ सभी इंडिपेंडेंट है, अलग अलग ग्रुप में, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कोऑर्डिनेशन हो रहा है? अलग अलग है वो, जैसे मान लो किसान है वो भी, ये चीज है। आप लोग की क्या अभी पढ़ाई वगैरह या कोई नौकरी? किसान है हम भी यार, हाई स्कूल किया है, उसके बाद किसान ही कर रहे हैं। और आप लोग? हम भी किसान। अगर बात की जाए स्टेज वाइज, अगर आप चावल उगाते हो, गेहूं उगाते हो, स्टेज वाइज जोतना खेतों को, गुड़ाई करना वगैरह वो सब में, और लास्ट में जब आप चावल जब आप बेचते हो या धान बेचते हो, कितने का मुनाफा होता है या कितना लागत आता है, कितने में बेचते हो, मुनाफा कितना होता है, घाटा होता है तो उसमें एक बात है ना, यही सबसे बड़ी बात है जो आपने क्वेश्चन पूछा है। ये तो जो आप, क्या ये सिलसिलेवार आप ये समझा सकते हो इस चीज़ को? नहीं, मैं जितना जानता हूँ उतना बताऊँगा, ठीक है। बाकी यह है कि जैसे पंजाब के जो किसान थे, उनको जो MSP जो सरकार के द्वारा दी जाती थी वो पूरी मिलती थी, पंजाब में सबसे ज़्यादा, हरियाणा में उससे कम, और उत्तर प्रदेश में बिल्कुल कम, बिहार में तो खत्म ही हो गई है, ठीक है। तो लोग, हम लोग आए हैं, छोड़ गए वहाँ के लोग। एक मिनट, हम लोग लखीमपुर खीरी जिला है हमारा, अच्छा, यूपी में, ठीक अच्छा। है, अभी भी हमारे घरों में धान पड़ा है, अभी भी, आज भी। यही चक्कर है कि हमको रेट नहीं मिल रहा, बिक नहीं रहा। और रेट क्या है इसका, समर्थन मूल इसका मूल है 1868 रुपया, और वहाँ बाजार में बिक रहा है 1000 रुपये में, 1100 में, 900 में, ये चक्कर है। तो किसान को इतने में बेच के जो किसान का जो खर्चा आ रहा है खेती के ऊपर, वो पूरा नहीं हो रहा है, और बताइए, ये चक्कर है। और गन्ने का जो बकाया मूल है, मोदी जी ने बताया था कि 14 दिन में, हमारा 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, अभी गन्ने का मतलब भुगतान नहीं हुआ है 1.5 साल। और आपको गन्ने की प्रक्रिया मैं बता देता हूँ, आप सुन के चौंक जाएंगे। जैसे मैं आज गन्ना बोता हूँ तो वो
एक साल तो उसकी हम मेहनत करेंगे, ठीक है, एक साल वो मेहनत करेंगे उसके ऊपर, एक साल बाद वो कटेगा। जब वो एक साल बाद कटता है और उसकी आप पेमेंट दो साल बाद दोगे, तो जैसे मान लो मैं आज गन्ना लगाता हूँ तो 3 साल बाद उसका पैसा मुझके मिलेगा। ओके, ये सबसे बड़ा मैटर है ये, ठीक है। लेकिन ये तो मार्केट जहाँ बेचते हो, जी जी, ये आप गवर्नमेंट होते हैं या गवर्नमेंट भी होते हैं और प्राइवेट भी होते हैं, ये चक्कर है। लेकिन फिर चाहे जो भी हो, पैसे आपको 2-3 साल मतलब गैप होता है काफी। हाँ, गैप रह जाता है काफी ज्यादा। तो ये बीज की खपत, ये जो है, कैसे पूरा करते हो? तो यही तो बात है, तभी तो किसान जो कर्ज में फांसी लेता है, यही चक्कर है भैया। आप लोग कर्ज कहाँ कहाँ से, कैसे आप लोग? सरकारी जो बैंक है इसमें से भी लेते हैं, ये चीज है, सरकारी जो फैसिलिटी मिलती है उससे लेते हैं। फिर तभी किसान कर्जा नहीं दे पाता है, जब उसका यार अपना खर्चा नहीं चलता तो बैंक का कहाँ देगा वो। लेबर को हम बिल्कुल, लेबर को देना है हमको, अपना भी देखना है, उसको कहाँ से पैसा दें आप भैया? हमारे पास एक जो ये धान है वो हमारा 1868 रुपये होकर भी हमको मिल रहा रेट उसका 900-1000 रुपया, और हमारा खुद का घर से फीस, ये ना भैया खर्चा कितना खर्चा हो जाता है, आप लोग भी जानते हैं ऐसा ना, ये जो और उसको मतलब कि करके हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम उपज में लगाएं पैसा, और उसको लेबर को कैसे दें और खाएं कैसे? क्या किसानी की हालत तो बहुत ज़्यादा बेकार है, इसी आप मतलब कैसे बेटर किया जा सकता? बेटर यही है यार, सरकारें इस पे अभी वही बात फिर वहीं आ गई कि MSP पे कानून बनाए, कोई भी अगर इसको खरीदता है तो MSP से नीचे ना खरीदे, ऊपर बेशक खरीद ले, ठीक है। MSP करीब 24 फसलों पे दिया जाता है। हाँ हाँ, लेकिन धान, गेहूँ, मक्का, गन्ना और कुछ दलहन, इन सब को छोड़ के फिर बाकी फसलों पे किसानों की नज़र नहीं जाती उगाने के लिए, ऐसा है ना? उसमें फ़ायदा नहीं है या उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है? ऐसा है कि जो ये धान और गेहूँ है ना, ये अपने इंडिया की मेन है, धान, गेहूँ और गन्ना। बाकी जो हैं, जैसे मान लो आदमी बीच में गैप मिलता है, जैसे जहाँ आदमी सोचता है कि हाँ मैं 3 फसलें कर लूँ प्रॉफिट के लिए, गेहूँ के बाद, हाँ गेहूँ के बाद, जहाँ धान के और जब गेहूँ कटने के बाद टाइम मिलता है उसमें भी कर लेता है, जहाँ फिर धान काटने के बाद कर लेता फिर गेहूँ भी बो लेता है, ये चीज़ है। मेन चीज़ है जो धान और गेहूँ है, गेहूँ तो फिलहाल ठीक बिकता रहा है अब तक, ठीक है। जहाँ तक मुझे पता है लखीमपुर खीरी थोड़ा उत्तरी भाग में है, तो थोड़ा सा मिट्टी वहाँ की दलदली भी है, हाँ थोड़ी जंगल भी ज़्यादा है। तो कौन कौन से क्रॉप वहाँ पे उगाए जाते हैं? वहाँ पे यही है ज़्यादा, धान और गेहूँ और गन्ना।